जहां पर अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनकी गर्लफ्रेंड, ड्रग पेडलर्स की बातचीत चल रही है, तो वही अब खबर आई है सुशांत सिंह राजपूत के जीजा को भी लेकर। जी हाँ, जहां पर कूपर हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने खोली थी रिया चक्रवर्ती की पोल कि कैसे 45 मिनट तक रिया सुशांत की बॉडी देखने के लिए कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी और कूपर हॉस्पिटल के अंदर रिया चक्रवर्ती ने काटे थे पौना घंटा। वो 45 मिनट तक वो हॉस्पिटल के अंदर थी और मॉर्चरी रूम में सुशांत की बॉडी देखने ही गई थी। इसी के साथ अब खबर ये आ रही है कि सुशांत के जीजा ओपी सिंह जो मुंबई पहुंचे थे सुशांत के निधन के वक्त, और जो खबर सामने आई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सुशांत की बनी है वो जल्दी में बनी थी और इसीलिए उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह की एक वीडियो सामने आई है कूपर हॉस्पिटल की, जहां पर वो डॉक्टर से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि वे जल्द से जल्द किसी भी हालत में अभी सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है, क्योंकि वो ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये है पूरी खबर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जहाँ पर अब सुशांत के जीजा से जुड़े भी कई सारे सबूत सामने आएंगे और सुशांत की बहनों के बाद अब सुशांत के जीजा ओपी सिंह से भी सीबीआई पूछताछ करती हुई नज़र आएगी और सवाल करेगी कि आखिर उन्होंने रात के 11 बजे सुशांत का पोस्टमार्टम क्यों करवाया, और जब वो जानते थे कि पोस्टमार्टम हो चुका है तो उन्होंने ये बात एक बार भी क्यों नहीं चेक की कि पोस्टमार्टम में सुशांत के हाथ से कट टाइम मेंशन नहीं किया है, जिसका जिक्र एक बार भी सुशांत के जीजा ने किसी के भी सामने नहीं किया। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।